नमस्कार। न्यूज डाइन नेटवर्क आप देख रहे हैं। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले इस विशेष रिपोर्ट को देखिए। सितारगंज में उत्तराखंड प्रधान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष भास्कर संभल के नेतृत्व में ग्राम प्रधानों ने विकास खंड सितारगंज के मुख्य गेट पर तालाबंदी करते हुए 4 सूत्रीय मांगों को लेकर सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। वही ग्राम प्रधान संगठन ने 4 सूत्रीय मांग को सरकार द्वारा न माने जाने पर प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन की चेतावनी देते हुए कहना है कि मनरेगा के अंतर्गत 1 जनवरी 2023 से राज्य में मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम को अनिवार्य रूप से लागू किया गया है, जिसमें भौगोलिक परिस्थितियों के कारण अधिकांश गाँव में नेटवर्क नहीं है, कई किलोमीटर पैदल मार्ग है, ऐसे में मोबाइल सिस्टम लागू करना संभव नहीं है। साथ ही ग्राम प्रधान संगठन का कहना है कि मनरेगा के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में 20 से अधिक कार्यों का न होना महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना एक ऐसी योजना है जिसमें ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत क्षेत्रों में विकास कार्य अधिक करती थी। आज ही पंचायतों में कार्य की अधिकता रहती है, लेकिन 20 कार्य किए जाने की बाध्यता होने के कारण कार्य नहीं हो पा रहे हैं। वही ग्राम प्रधान संगठन ने मनरेगा के कार्यों में बाध्यता को खत्म करने की मांग की। भास्कर संभल प्रदेश अध्यक्ष प्रधान संघ ने क्या कुछ कहा, सुनिए। प्रदेश ग्राम प्रधान संगठन का पूरे उत्तराखंड के 13 जनपदों में सभी विकास खंडों में हमारा धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम आज है। हमारी जो मुख्यतः मांगे मनरेगा, जिसे गांव की विकास की एक बहुत अच्छी योजना माना जाता था, आज उस पर भी केंद्र सरकार ने ऐसे अपने धनमनकारी नियम लगा दिए हैं कि ग्राम पंचायतों में काम नहीं हो रहा है। 20 कामों से ज़्यादा काम हम ग्राम पंचायतों में नहीं कर पा रहे हैं। पहले जो व्यवस्था इसमें थी कि मटेरियल भुगतान यदि नहीं आता था तो उन फाइलों को फिजिकल क्लोज्ड कर दिया जाता था और अन्य काम जो है जनरेट कर दिए जाते थे, लेकिन आज केंद्र सरकार द्वारा इस फिजिकल क्लोज्ड के ऑप्शन को बंद कर दिया गया है, जिससे ग्राम पंचायतों में मटेरियल भुगतान ना आने के कारण कई फाइलें लंबित हैं और विकास कार्य जो धरातल पर है उसको बंद कर दिया है। साथ ही जो मनरेगा की लेबर के लिए NMMS नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम सरकार ने लागू कर दिया है, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं, हमारा हिमालय राज्य होने के कारण आज कई ग्राम पंचायतों में मोबाइल की घंटियां नहीं बज रही हैं। वहां सरकार द्वारा मनरेगा के लिए ऑनलाइन हाजिरी का प्रावधान कर दिया गया है, जो बड़ा ही हास्यास्पद का विषय भी है। हमारा ये कहना है कि जब तक पूरी पंचायतें नेटवर्क सिस्टम से नहीं जुड़ जाती हैं तब तक NMMS का जो इन्होंने प्रोजेक्ट जो दिया गया है उसको तत्काल रोका जाए और पुराने तरीके से जिस तरीके से मस्ट्रोलों से हाजिरी ऑफलाइन ली जाती थी उस व्यवस्था को पुनः लागू किया जाए। हम ये 2 मांगे। तीसरी मांगे जो हमारा ग्राम प्रधानों का कोरोना आपातकाल जैसी स्थिति जो रही, जिसमें ग्राम प्रधानों ने कार्य किया, हमारे कोरोना में कोई भी विकास कार्य ग्राम पंचायतों में नहीं हो पाए, तो उनके लिए हमने अपने कार्यकाल विस्तार के लिए सरकार से मांग करी है कि जो कोरोना में 2 साल बर्बाद हुए हैं उसमें ग्राम पंचायतों का कार्यकाल जो है वो हमारा बढ़ाया जाए। तीसरी मांग जो हमारी प्रमुख मांग रही कि हमको माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पिछले कार्यकाल में पिछले वर्ष जो हम लोग धरने पर बैठे थे तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा टनकपुर में ग्राम पंचायत आपदा निधि की 10,000 की घोषणा की थी, तथा रुद्रपुर में सबकी योजना सबका विकास कार्यक्रम में ग्राम प्रधानों को भी कोरोना प्रोत्साहन राशि के 10,000 देने की घोषणा की थी, जो आज तक पूरी नहीं हुई, जिससे ग्राम प्रधान जो है अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। साथ ही केंद्रीय वित्त की धनराशि जिससे ग्राम पंचायतें अपना विकास कार्य करती थी, आज पूरा वित्त वर्ष 22-23 समाप्त होने की ओर है, लेकिन हमको केंद्रीय वित्त से मिलने वाली धनराशि आज दिन तक प्राप्त नहीं हुई है और जिससे विकास कार्य पूर्ण रूप से ठप है। राज्य सरकार द्वारा जो राज्य निधि हमको उपलब्ध कराई जा रही है उसमें समय समय पर उसमें किन किन मदों में खर्च करना है उसकी भी शासनादेश सरकार द्वारा निर्धारित किए जा रहे हैं, जबकि हम लोकतंत्र। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे न्यूज नाइन नेटवर्क पर। अब चाहेंगे इजाजत, नमस्कार। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।